शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे, कम ऑन दम लगा। ओह माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया, तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे के नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमन तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था, सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं, टूटी। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा देर पसली करे तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेट पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ? हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मम्मी, मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब खर्ची, 20 रुपए ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए। और वापस आने के लिए? हाँ। और कॉफी? शट अप। शट अप? लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है? हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो है। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है? लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है। कंबख्त जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं यार। यानी कि तू उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुरन, पता है आज रात गीता और मैंने फिल्म साथ में देखने का प्लान बनाया है। हर नाइट सालों ठहरा होगा। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई नई चीजों की गोज एक्सपेरिमेंट से तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सो रहा था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे। पर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं, पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। स्वर्ग चरणों में नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ, आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दो। क्या मेरा गला? अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख रख कर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले 1 महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण? यानी कि 1 महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण मरकर नाचेगा। अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। राबू,
बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या, कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना, डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है, देखो ना। रामू तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे रेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड। तू मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। सक्सेना को बता कि मैं बीमार पड़ गया और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन सर आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Come on. Come on, go fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। Isn't it, baby? Excuse me. हेलो, यस डार्लिंग, बोलो। नहीं, आज मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास। कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ, तुम खाना खा लेना। नहीं, मैं खाना खा के आऊंगा, नहीं कुछ नहीं। ओके, बाय डार्लिंग, लव यू, वाइफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मर्द आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है, चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट बी नॉटी नॉटी विदाउट मी, ओके? यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में ही रहता था, लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने डिस्पेंसरी के लिए एक नस रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ। लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। ओह भाई, एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू बाय। प्रेम बाबू, क्या है? तुमने बताया ना कल रात कैसी रही? बताने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? क्या है? फिल्म। कल रात को तुम्हारी बातों से इंस्पायर होकर हमने स्नेहलता को कन्विंस कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखना, कल से सुब्रमण्यम भी ऑफिस देरी से आएगा। उर्वशी, टेक इट इजी। तो गोल हो गया यार। अरे मैं तो इधर हूँ, तू बता तू कैसा है यार? अरे यार, तू बता तू कैसा है? अरे यार, तुझसे मिले इतना आज गोड़ कहीं के रास्ते के बीच में चिपका चिपकी कर रहे हैं। मैं भी आया। अरे तुम लोग सड़क के बीच में, ये अमर तुम? अरे डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको अपनी जान से मिलाता हूँ। ये मेरा प्रेम। आई एम प्रेम डॉक्टर। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। रास्ते के बीच में प्रेम, व्हाट अ शेम। इसमें शर्म की क्या बात है डॉक्टर साहब? मेरी और प्रेम की यारी तो कॉलेज के जमाने से है। यानी तुम्हारा प्यार इतना पुराना है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, why don't you join us? क्या बकते हो? Yeah, dog, we'll have fun. अरे हट हट हट, good boy. क्या कर रहे हो तुम लोग? Doctor, no, hat, doctor साहब, hat, doctor, hat, doctor, doctor, is it good?
बेचारा नौकर गवाड़े, पता नहीं कामा सूत्र के कौन से पोज में हम दोनों को इस वक्त इमेजिन कर रहा होगा।